धीरज थोपर, आपको बता दें कि इनको अभी आप नागिन फाइव में देख रहे हैं, साथ साथ कुंडली भाग्य में ये मेन लीड की भूमिका में है। आपको बता दूं कि नागिन फाइव में ये नेगेटिव लीड में। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम इनके लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, इनके बीवी गर्लफ्रेंड और सबके बारे में। सबसे पहले बात करें उनके जन्मदिन की, तो वो 20 दिसंबर 1984 को जन्म दिया था, वो 35 साल के हैं अभी। आपको बता दूं कि उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया है, वो दिल्ली से हैं। आपको बता दूं कि फैशन डिप्लोमा भी उन्होंने दिल्ली से किया। उनके हाइट करीबन 5 फीट 8 इंच है, उनका वेट है 66 kg। आपको बता दूं कि उनके आई का कलर ब्लैक है, उनका हेयर कलर भी ब्लैक है, उनके बाइसेप्स का इंच है 13। अब बता दें उनके कैरियर की बात करें, तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2009 में की थी। एक कलर्स का पॉपुलर शो था माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। आपको बता दूं कि उसमें वो अंश की भूमिका में थे। इसमें ही उनकी जो रियल लाइफ वाइफ है उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो फेमस हुए थे कलर्स के पॉपुलर सीरियल ससुराल सिमर का, वो प्रेम भारद्वाज के कैरेक्टर में थे। लेकिन कुंडली भाग से तो उनका जीवन भी बदल गया। वो कुंडली भाग में श्रद्धा आर्य के अपोजिट थे। आपको बता दूं कि फैंस उनको काफ़ी पसंद करते हैं। ये इंडियन टेलीविजन का उन्होंने हाईएस्ट रेटेड शो है और काफ़ी हिट भी है। आपको बता दूं कि उनका पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उनको क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है और वो हाउस कैप्टन भी रहते थे अपने स्कूल में। बात करें उनके फैशन डिज़ाइनिंग की, तो हमेशा फैशन डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ना चाहते थे। वो उनकी पहली फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख खान। आपको बता दूं कि शाहरुख खान उनके फेवरेट एक्टर हैं। उनको काफ़ी सारे मैगजीन में उन्होंने मॉडलिंग भी किया है। उनको ए आर रहमान का म्यूज़िक काफ़ी पसंद आता है, जब भी उनको टाइम मिलता तो उनकी म्यूज़िक ज़रूर सुनते हैं। साथ ही उनको पिज़्ज़ा और चाइनीज़ फूड भी काफ़ी पसंद है। आपको बता दें कि उनके फेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली। उनकी वाइफ का नाम है विनी अरोरा। आपको बता दूँ वो भी पॉपुलर इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस है। उन्हें 9 साल डेटिंग के बाद दोनों ने शादी की है। आपको बता दूँ कि वो भी काफ़ी इंडियन टेलीविजन सीरियल्स में उन्होंने काम किया है और वो रियल लाइफ में काफ़ी अच्छे दिखते हैं। आपको बता दूँ कि वो आपको जल्द ही नागिन फाइव में देखेंगे नेगेटिव लीड में। आपको बता दूँ कि अगले वीक से उनका शो आएगा और साथ साथ कुंडली भाग में तो काम कर ही रहे हैं। वो करीबन 55,000 पर डे चार्ज करते हैं, हालांकि वो वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एक्टर हैं। उन्होंने कई सारे अवार्ड शो भी जीते हैं, कई सारे अवार्ड शो होस्ट भी किए हैं।